नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो लीजिए दोस्तों, एक और यूज़फुल एपिसोड मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी एपिसोड्स आपके लिए डिलेड आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्लान है बहुत ही बढ़िया सा होने वाली है। इन फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़रा अच्छे से वीडियोज़ आपके लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस एपिसोड के अंदर आप लोग जानने वाले हो, यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ियाँ कितनी कंजेस्टेडली यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक और यहाँ पर कार खड़ी है और उसके नज़दीक भी एक और कार खड़ी है, इसके बाजू में भी कुछ बाइक्स वगैरह यहाँ पे पार्क किए हुए हैं। तो ये फिलहाल अपार्टमेंट के एक बेसमेंट है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ हमेशा इतनी क्लोज डायरेक्शन में ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है और इसके बाजू में भी एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। तो इन दैट सिचुएशन मुझे मेरे सब्सक्राइबर के साथ सवाल आए थे कि इस तरह के सिचुएशंस के अंदर अपनी कार की जो जजमेंट है किस तरह से लिए जाते हैं। ओके, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ब्रीफ करना चाहता हूं ताकि मैं, तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, पहली बात, इस तरह के सिचुएशंस के अंदर अगर आपको बाहर आनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी कार की जो लंबाई और उसकी जो विड्थ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार मैंने पार्क किए हुए है, तो इसका मतलब है दोस्तों इसकी गाड़ी की जो लंबाई है उसको मैं जानता हूँ और इसकी जो विड्थ है उसको भी मैं जानता हूँ। उसी वजह से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से आराम से मैं अपनी कार को पार्क कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी क्लोज से जाके मैं अपनी कार को पार्क किया हूँ। ये भी कार है, ये भी पार्क हुई है यहाँ पर, तो ये कार भी, इसकी भी बहुत ही विड्थ एंड हाइट लेंथ आपको जाननी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार की भी लेंथ अगर आप सही तरीके से जान लोगे ना, तो यहाँ पर आप अपनी कार को अच्छी तरीके से पार्क कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। ओके, तो मेन मुद्दा ये है, आपकी कार की जो डायमेंशन है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेनी होगी, ताकि मेरी कार आगे तरफ, मतलब यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए थोड़ी सी भी ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर, मतलब एक फीट हम मान सकते हैं, तो एक फीट में यहाँ पर मैं पास होके यहाँ पर आ सकता हूँ। तो इसका मतलब है ऐसे कैसे मैं मैनेज करता हूँ, अगर मैं फिर भी थोड़ी सी आगे लेके आऊँगा ना, तो मुझे यहाँ तक आने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड के साथ मैं यहाँ पर भी आके रुक सकता हूँ। वो मैं कैसे रुका सकता हूँ अपनी कार को, अपनी कार की जो डायमेंशंस मुझे अच्छी तरीके से पता है, तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से पार्किंग में करने लायक बन जाता हूँ। लेकिन आप लोगों के सवाल है, इस तरह से पार्किंग हमें किस तरह से करनी है। बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है, अपनी जो ये क्वार्टर पैनल रहती है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कार टच हो जाते हैं, क्योंकि सही तरीके से जजमेंट ना होने की वजह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस कार के साथ भी कुछ ऐसे ही हुए हैं, जो पार्किंग में लगाने के टाइम हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो चांसेस रहते हैं, आप अपनी कार को पार्क करते समय सही तरीके से आप अपनी जजमेंट नहीं कर पाते हो ना, तो जाके आपकी कार जो है कहीं जाके, मतलब पिलर को लग सकती है या फिर खड़े हुए गाड़ी के साथ टच कर सकती है। तो मैं हमेशा आपके लिए साथ क्या कहना चाह, मतलब यहाँ पर मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को पार्क करो या फिर इस तरह के कंजेस्टेड एरिया में अगर आप ड्राइव करना चाहते हो ना, तो थोड़ी सी आपके लिए प्रैक्टिस बनना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके साथ हाथ साफ नहीं है अपनी कार के जजमेंट को लेके, तो आपको जजमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी लग सकती है। तो डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी मेरी वीडियोस है, आप वहाँ पे जाके जजमेंट किस तरह से करते हैं गाड़ी की, अगर आप वो रेफ़र कर लोगे ना, तो आपके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं आती है। ओके, आई होप दोस्तों ये छोटी सी एपिसोड मैं यहाँ पर आपके लिए बनाया था, अगर आपको लर्न करनी है तो चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ है, आप लर्न कर सकते हो, ताकि आपको भी एक आइडिया आ जाए। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ऐसे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।